नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक क्विज में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके आया। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों यस बैंक कुछ ना कुछ नया लेके आया है। जैसे दोस्तों हमने इस पे एनालिसिस किया था, वही एनालिसिस पे मार्केट पूरा काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, हर आदमी का एक अपने एक्सपेक्टेशन का सेक्टर होता है। जैसे हमारा दोस्तों एक एक्सपेक्टेशन सेक्टर है, उसे इक्विटी मार्केट कहते हैं दोस्तों। और कैश मार्केट में क्या होता है, हमेशा जो हम लेवल्स देखते हैं उसी लेवल पे मार्केट ट्रेड क्यों करता है, उसके पीछे टेक्निकल चार्ट की बड़ी एक रहस्य होती है। तो दोस्तों आपको समझना ये बातें, तो जुड़िए हमारे साथ और चले चलते हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और जानेंगे यस बैंक में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यस बैंक में ये लेवल दिखेगा, दोस्तों वही हो रहा है। यस बैंक में वो लेवल दिखते चल रहा है। जैसे कि मान रहे अभी यस बैंक में ऐसा क्या निकल के आया कि जिसके कारण ये यस बैंक ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा, जैसे कि नीचे आके थमने का नाम लेगा। शायद ऐसा सबको लग रहा है दोस्तों, यही होने वाला है या फिर उसमें कुछ और दूसरा कुछ ट्विस्ट आने वाला है। ऐसी कुछ बहुत बातें ऐसे निकल के आएगी ये यस बैंक में, हम जानेंगे वो सब बातें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चले गए टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे हमें क्या रुझान मिल रहे हैं, हमें क्या यहाँ से सिग्नल मिल गए यस बैंक में, और किस तरह से हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ये शॉर्ट सेलिंग करनी है, हेवी बाइंग करनी है, या फिर हमें वेट एंड वॉच का फंडा लेके दूर से देखने का काम करना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सीधा यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों हम अभी आए हैं टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे देख रहे दोस्तों अलग से हमें रुझान कुछ दिखने मिल रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों कि अभी यस बैंक में हमें एक जो ट्रेड है वो दिख रहा है डाउन साइड। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या समझना है इस शेयर में कि क्या ये शेयर और आगे नहीं बढ़ेगा कि या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अभी बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पे जो कैंडल्स है उसके बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लोअर है वो हाई बनते जा रहा है, लोअर हाई बनते जा रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने कहा 55 और 50 रुपीज़ का लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट 50 रुपीज़ का लेवल तोड़ेगा तो डेफिनेटली और नीचे जाएगा दोस्तों। और एक बड़ा खुलासा हुआ यस बैंक में कि यस बैंक में जो 1.2 बिलियंस की जो एक बड़ी फंड रेजिंग की अमाउंट आने वाली थी दोस्तों, वो शायद नहीं आ सकती, क्योंकि अभी अभी एक बड़ी न्यूज़ आई है कि उसके चलते इस बैंक में एक बड़ी गिरावट का दौर अभी यहाँ से ज़्यादा दिख सकता है। दोस्तों जब हम बात कर रहे थे 50 रुपीज़ की, क्यों बात कर रहे थे 50 रुपीज़ पे है, जो एरविन है उनको देना था एक 50 रुपीज़ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देना था दोस्तों। ये तो हमें बात समझ रही थी वहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे कि यहाँ से 50 रुपये का यहाँ पे मार्केट आने वाला था, मगर दोस्तों क्या अभी मार्केट जो दिख रहा है उसके और नीचे मार्केट गिरने वाला है क्या दोस्तों? ये तो बात होगी अरविन सिंह के बारे में, मगर और एक न्यूज़ निकल के आ रही है, मैकलियोर नाम की जो कंपनी है उनके पास यस बैंक के 500 करोड़ का जो लोन था वो चुकाने में असफल रही है। मैकलियोर नाम की कंपनी जो कि यस बैंक अभी कोर्ट में जाके एनसीएलटी में जाके उनके खिलाफ पिटीशन फाइल कर गई और कहेगी कि ये बैंक, माफ़ कीजिएगा, ये कंपनी इंसॉल्वेंसी हो चुकी है, इनके पास पैसा नहीं है, हमें इनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा चाहिए, ऐसा जाके एनसीएलटी में अभी पिटीशन फाइल करेगी। दोस्तों सब बातें निकल के आ रही है, मगर यस बैंक में हमें यहाँ से नीचे वाला टारगेट क्या है सर, जल्दी से बताओ, हमें डरावना सा फील हो रहा है क्या सर, अभी यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा क्या? दोस्तों को मैंने ऑलरेडी पहले आपको कहा है 48 रुपीज़ का लेवल है, मार्केट उसको दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में दौड़ चल रहा है और अभी अभी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, और आपको लेके आगे चलेंगे और जानेंगे बहुत सारी बातें। तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपको हमने दिया था 48 रुपीज़ का जो टारगेट, लगभग वो आपको दिखेगा जल्दी। देखिए दोस्तों 53 रुपया पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, 53 रुपया 20 पैसे पे अभी भी मार्केट 5% से नीचे चल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत एक गंभीर बात चल रही है इस बैंक में। क्या दोस्तों यहाँ से हमें आने वाले दिनों में क्या देखने मिल सकता है कि ऊपरी स्तर के टारगेट, मगर दोस्तों उसके पहले आपको कुछ सावधानी है, उस सावधानियों को लेके चलना है। देखिए दोस्तों 48 का अगर मार्केट तोड़ देता है इस बैंक तो आपको सावधान होना है, वहाँ से शॉर्ट सेलिंग कंफर्म हो जाएगी, लगभग 40 रुपीज़ के आसपास आपको लेके जाएगी। तो दोस्तों समझ के ट्रेड कीजिए, सोच समझ के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपको बनाना, हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम उस न्यूज़ पे और जानेंगे क्या उस न्यूज़ में हमें यहाँ से आने वाले दिनों में क्या रुझान देखने मिल सकते हैं। दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे प्राइस वैल्यू, देखिए उसके 53.30 पैसे की चल रही है दोस्तों, 53.30 रुपये का अभी मार्केट वैल्यूएशन चल रहा है उसका, और देख सकते हैं दोस्तों लगभग 5.5% के नीचे मार्केट घिरा हुआ है दोस्तों। उसका पीसी नहीं दिख रहा है, उसका पीई नहीं दिख रहा, बहुत सारी बातें जो कि अनक्लेरिफाई रह चुकी है यहाँ पे,
जो कि यस बैंक के रिलेटेड है। दोस्तों सबसे जरूरी बात कि अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है बढ़िया, तो उसका ईपीएस जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि यस बैंक दिखाने में अभी सक्षम नहीं है। दोस्तों आपको एक अंडरलाइन बात बताते हैं जो कि बहुत जरूरी है। देखिए पीसी भी नहीं दिख रहा, पीई भी नहीं दिख रहा। पीसी पी और ईपीएस जो कि बहुत जरूरी होते हैं हमें शेयर को जज करने में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, पीई इज डिस्प्लेड ओनली वेन एटलीस्ट 4 क्वार्टर रिजल्ट आर पॉजिटिव। पी रेशो तभी दिखेगा जाएगा। पी रेशो मतलब कौन सा होता है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग होता है, उसमें हमें समझता है कि इतना कमाने के लिए इतना पे कर रहा है बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात समझ में आया कि ये पिछले क्वार्टर के जो भी क्वार्टर रहे इनके यस बैंक के, वो क्वार्टर्स में उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, जो कि 4 क्वार्टर कंट बैक टू बैक उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया, जिसके कारण ही इनका पी और ईपीएस नहीं दिख रहा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़े सा आगे और जानेंगे बात को। देखिए दोस्तों यस बैंक बाइडर इरविन एरविन सिंह ब्रेच हैज हिस्ट्री ऑफ अ बैंक गन से क्वेश्चनल बिजनेस डील्स रिपोर्ट 10 दिसंबर 10:43 पे। तो ये न्यूज़ आई थी दोस्तों, तो देखिए कि लगभग क्या हो रहा है यस बैंक में। देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे 16% के नीचे एक वीक में गिरा हुआ है। मंथ वाइज देखिएगा तो दोस्तों 27% से ज़्यादा गिरा है। क्वार्टरली देखेंगे तो दोस्तों 15% लगभग 16% के आसपास गिरावट है, और 6 मंथ की देखिए दोस्तों लगभग 60% के ऊपर ही है। एक्सपर्ट परसेंट 61% के आसपास है, और साल के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 68% के हिसाब से उनकी गिरावट है। दोस्तों हम जानेंगे न्यूज़ और क्या है न्यूज़ में पता चलने वाली बातें। देखिए दोस्तों इवन एज अ रिपोर्टेड हिंटेड यस बैंक वुड रिजेक्ट कैनेडियन इंटरेस्ट एरविन सिंह ब्रिज 1.2 US billion बेड इन अ फेवर ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ब्लूमबर्ग हैज रिपोर्टेड द ब्रिज क्लेम मे बी अंडर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एरविन है वो क्वेश्चन के घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री रह चुकी है। उनका हिस्ट्री इस तरह से है दोस्तों कि उन पर कई बार कोटेशंस फाइल किए गए, पिटिशंस फाइल किए गए हैं एनसीएलटी के। तो ऑफर ऑफ अ ब्रिज ब्रिज एंड हांगकॉन्ग बेस्ड एसपीसीजीबी होल्डिंग हैड बीन एक्सपेक्टेड टू मेकअप अ बल्क ऑफ यस बैंक 2 बिलियन फंड रेजिंग प्लान, बट वॉज क्लाउडेड बाय कंसर्न ओवर सर्टेन फॉरन बीडर्स बिगेन डिस अलाउड टू एक्वायर अ स्टेक इन द बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या कह रहा है, हम उनको डिस अलाउड करते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस है। वो उन्होंने पहले ही जो उनके जो कंपनियाँ थे बाहर गाँव की कैनेडियंस की, जैसे कि हम मान सकते US में, उन्होंने बैंक करप्टेंसी का अपना एक सर्टिफिकेट वहाँ से उनको मिला हुआ है। तो दोस्तों हम उनको नहीं दे सकते क्योंकि हमारे देश में भी वो कुछ ऐसा घपला कर दे कि जैसे हमारा देश की जो कंपनियां हैं या फिर हमारे देश के जो बैंक हैं उनमें बड़ी गिरावट का दौर दिखने लगे। तो इसलिए हमारे जो RBI बैंक है बड़ी पैनी नज़र से उन पर बात और बड़े सख्त तरीके से बताए कि इनको हम नहीं दे सकते अलाउटमेंट, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो अपना पिछला पास्ट है, पास्ट के हिसाब से कुछ भी अच्छा काम नहीं किया पास्ट में, और अभी फ्यूचर में क्या करेंगे और प्रेजेंट में क्या करेंगे इस पर क्वेश्चन मार्क उठा दिया। RBI ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, जो कि SBI यस बैंक का जो फंड रेजिंग था वो अभी थम चुका है। दोस्तों फिलहाल और एक न्यूज़ आई है कि राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने 25 मिलियन US डॉलर का जो अभी इसमें बाइंग करने के सोचे थे यस बैंक में, वो अभी भी नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो फंड रेजिंग के प्लान चल रहे थे उनको 78 रुपीज़ पे प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट देने वाले थे, और एरविन को 50 रुपीज़ पे देने वाले थे। ये बात चलते उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट रेज करूँगा नहीं, यहाँ से निकाल लूँगा, जिसके कारण अभी यस बैंक में और डर का माहौल पैदा हो चुका है। तो दोस्तों इस पर यस बैंक सामने आके बोली है कि जो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों वो बात स्पेक्युलेटिव है, यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ने आके ऐसे फॉर्मली और अनाउंसली कुछ भी नहीं किया है, जिसके कारण ये न्यूज़ आपको सही लगे। तो दोस्तों आपको सही डिसीजन लेना है, सही तरीके से आपका पैसा है आपको बचाना है। दोस्तों किस तरह से आप इसमें ट्रेड करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।